अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोहैब बट साहब, अ जर्नलिस्ट, अ मीडिया एंकर पर्सन, मीडिया हाउस में काम करते हैं और इनसे करते हैं कोई मज़ेदार किस्म की बातचीत। ज़ोहैब बट साहब, अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? फिर जो है मुझे फिर से आपको मौका दे दिया। हाँ जी, नहीं नहीं, मौका तो आपने दिया, आप मेरे शो पे आए, चार चांद लग जाएंगे इस शो को। तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं आपका जो है तमाम जो आपकी पॉडकास्ट जो पहले दिन से जो है मैं आपको सीख रहा हूँ। थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी बात है मेरे, क्योंकि वो तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है ना कि आप टीवी चैनल पे काम कर रहे हैं, वो जब तक मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके ना भेजूँ कि मैंने आपका वो देखा है, तो आपको यकीन नहीं आएगा मेरे लाइक्स और कमेंट्स आपको बता देते हैं। बिल्कुल ऐसे कि मैं हाजिर हूँ। हाँ जी बिल्कुल। डिजिटल मीडिया आपको फौरन से पहले बताता है, आपके ट्वीट को, आपके इंस्टाग्राम पे पिक को, या फेसबुक कमेंट, हर चीज, आपने जो भी इवेंट शेयर किया या आपने राय दिया, तो फौरन से पहले क्रिटिसिज्म, जो हमारा क्रिटिसिज्म जो चलता है, या आप तारीफ, जो कि बहुत कम है। काफ़ी सारे दोस्तों, मेरी फ्रेंड लिस्ट इतनी, मतलब 4-5 हज़ार के नज़दीक जो है ना, वो मेरे दोस्तों का जो है ना वो दायरा उसमें फेसबुक पे है, और व्यूअर्स जो होते हैं उसका वो आ जाता है कोई 200-400 में, जबकि लाइक्स जो होते हैं वो 100 में आ जाते हैं। तो मेरा मतलब साफ पता चल जाता है कि क्या सिलसिला आ रहा है। इसी तरह लोगों का उसमें भी है, जो लोग मिलियंस में जिनके हैं वो नीचे मिलियंस में इनको नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं, जिनके 100 में सैकड़ों में, उनको सैकड़ों में डिग्रेड होता है, आपको डील करना पड़ता है जो भी है। बहरहाल ये बताइए, आप जर्नलिज्म की फील्ड में किस तरह आए, किस तरह आप बने एंकर पर्सन, और इस फील्ड में किस तरह आपका शुरुआत? मैं ऐसे आया कि मेरे वाले साहब गुस्से थे, वो गुज़िश्ता 50 साल से इसी फील्ड में ही है जर्नलिज्म से। मेरे चचा हैं इसी फील्ड में हैं, मेरे कज़न्स हैं 3, वो भी इसी उसमें है। तो वो अनकॉन्शियसली वो बचपन से एक मेरे में वो फैमिली में था, खून में था ये चीज़। हालांकि बिजनेस का 2-3 बार मौका मिला है, लेकिन मैं प्रेफर इसी को करता हूँ, मुझे ये काम करते हुए मज़ा आता है। वो फौजी तो बन नहीं सके, पुलिस में भर्ती नहीं हुए, तो वो भी उसके पीछे मकसद यही था कहीं कॉर्नर में किसी बेल्ट फोर्स में दाखिल जो है उसमें सर्व करने का, कि कौम की खिदमत, आम आवाम का जो है, या सोशल इश्यूज के ऊपर जो है उसमें किसी के लिए हेल्प आउट के लिए आप अपना जो है शामिल कर लें अपना हिस्सा। तो इसमें भी आने का मकसद मेरा यही है कि किसी तरीके से हम अपने हिस्से की एक ईंट, एक जो है वो लगा दें किसी कैप में, किसी दीवार में, किसी पिलर में, कि लोग हमें याद करें, याद रखें कि ये फलां कौम का बेटा भी था, कि जो कौम के लिए अपने लिए अपना के लिए कोई काम करें। ये तो बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन कर पाना, ये भी खुदा की उसमें रहमत में है। सोच लेना, मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि इस नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर आप अपने आप को अपने पेट को पीछे रख के किसी और का सोचें, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा टाइम निकालना। तो ये बताएं कि आपका क्या रूटीन होता है एक एंकर पर्सन का, सुबह से लेके शाम तक रिपोर्टिंग कहाँ जाना होता है? रिपोर्टर देखें, जो अखबार है, प्रिंट मीडिया है, उसमें मुख्तलिफ जो है ना मीडियम्स हैं, जिसमें बीट्स को डिवाइड कर दिया जाता है रिपोर्टर्स के अंदर, कि आपने कॉमर्स करनी है, आपने क्राइम देखना है, आपने हेल्थ के देखने हैं मामला, अपने एजुकेशन के देखने हैं, अपने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो महकमे, इस तरह रिपोर्टर्स के अंदर जो डिवाइड कर दिया जाता है। लेडीज़ रिपोर्टर्स जो होती हैं उनको इसी मीडियम में, लेडीज़ के लिए जो खवातीन को डील करने के लिए, उनको हायर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रोग्रामिंग होती है, एक न्यूज़ होती है, उसमें एक प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम के बिल्कुल सेटअप ये लाया जाता है, जो हम न्यूज़ का जो है ना उसके डिपार्टमेंट में है, जहाँ पर हमने दिन भर की जो है जो इवेंट्स हुए होते हैं, जो गवर्नमेंट लेवल पे सतही गवर्नमेंट के सतह के ऊपर जो इजलास हुए होते हैं, ताजरों के जो मसाइल या ताजरों के जो इवेंट्स या सेमिनार्स हुए होते हैं मार्केट्स के अंदर जो है, इसी तरह तमाम रिपोर्टर्स जो सुबह मीटिंग के बाद एक स्ट्रेटजी तय करके जो है अपने बीट के अंदर जो है वो चले जाते हैं, और जो लाइव जो है वो पहुँचाने वाली जो चीज़ें होती हैं, कवरेज जो मीडिया की जो ज़रूरी होती हैं, वो बाद मीडिया ऑफिस जो होते हैं वो लाइव ऑन एयर भी ले लेते हैं, बाज जो होती हैं चीज़ें ज़रूरत के तहत रिपोर्टर मुहैया करते हैं जो नशत होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सुबह हम सुबह सबके साथ ही उठते हैं, बच्चों के साथ ही, तो उसके बाद वो बच्चे स्कूल चले जाएं और हम उसके बाद तैयार, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, क्या क्या हुआ है 6-7, एक तो जिसमें हम काम कर रहे हैं उसको तो पढ़ना ही है, पूरा पढ़ना है शुरू से लेकर जी, जो है बारीक चीज़ों को छोड़ के जो देखने वाली चीज़ें होती हैं,
आला स्तर इजलास की जो होती हैं, जो गवर्नमेंट लेवल के जो इनिशिएटिव होते हैं, जहाँ जो अपने बीट से मतलब हैं, वो चीज़ें एक से हट के दूसरे अखबार में भी देखनी होती हैं। वो वॉशरूम बैठ के भी सर्व कर रहे होते हैं सुबह सुबह के, अब सुबह जाना है मीटिंग में, कौन कौन सी इवेंट्स, कौन कौन सी लगती हैं खबर, हम कल कौन सी कवरेज हमसे मिस तो नहीं हो गई, एक एक खबर पर नजर आना चाहिए। इसीलिए बीट जो है मुख्तिस कर दी जाती हैं। टीवी में जो एज ए टीवी में हमारी जनरल बीट होती है, हम किसी भी इवेंट पर या किसी भी उस बीट पर हम खबर दे सकते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, पूल बना दिया जाता है जिसमें अपने अपने बीट से जो है मतलब चीज़ें देते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मैंने अगर सारी बीट्स में देनी है तो फिर डबल भी हो सकती है, किसी और ने भी वो खबर दी होगी, वो उतना ही टाइम उसने लगा दिया, उतना ही रिपोर्टर ने, मैंने लगा दिया टाइम, उतना ही उसके साथ कैमरा मैन ने लगा दिया, उतना ही टाइम उसने लगा दिया, तो डबल ना हो जाए काम। इसलिए असाइनमेंट जो है एडिटर हैं, वो चीफ रिपोर्टर हैं, ब्यूरो चीफ्स हैं, वो अपने अपने फहम के मुताबिक जो है वो बीट चार्ट के मुताबिक ही वो रिपोर्टर्स की तमाम दिन के हवाले से जाना एक दिन पहले या दिन सुबह बता दिया जाता है। सोशल मीडिया भी है, व्हाट्सएप है, उसी चीज़ें हैं, प्रिंट भी मिल जाते हैं, हमें बताया जाता है कि आज आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स रिपोर्टर को बता दिया जाता है, सिटी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है रिपोर्टर को बता दी जाती हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हेल्थ रिपोर्टर को बताई जाती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें एजुकेशन रिपोर्टर को बताई जाती हैं। इसके अलावा फिर इसमें ख़ास स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट रखे जाते हैं कि जो कि हसास अदारा और पुलिस और जो वज़ीरे आज़म और वज़ीरे आला हैं इनकी इन्होंने जो कवरेज जो है वो मुकम्मल रखनी होती है इनकी तमाम। इसके अलावा डी जी पी आर मौजूद है गवर्नमेंट का अदारा जो कि मीडिया को देखने के लिए है, जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो है उनके लिए चीज़ें फराहम करता है। इसके अलावा जितनी जो वजारतें होती हैं, जितने जो अहम होते हैं, उनके पी आर ओज होते हैं, उनके अपने जो है ज़ाती कैमरा मैन फोटोग्राफर्स होते हैं कि जो उनके इवेंट की कवरेज करके खबर बना के मुतलका रिपोर्टर्स तक व्हाट्सएप और ईमेल्स कर देते हैं। कई जो है इवेंट्स में इस्तदा की जाती है कि अपना जो है टीम जो है कैमरा में कैमरा की और रिपोर्टर्स की भेजें कवरेज के लिए, और कई जो होती हैं कि वो इवेंट्स को कवर करके भेज दिया जाता है कि उसको फुटेज बना के इसको आप उसको ऑब्लिज करें या उसको आप ऑन एयर करें। वो फिर जितनी जिम्मेदारी हमारी ऑन फील्ड जो लोग हैं रिपोर्टर्स हैं जो सारा दिन और सारी रात बाहर 24 आवर की ड्यूटी है, इसमें तो सोना ही है आपने और बस अपना वो पूरा करना है, सोना खाना पीने का टाइम बकाया आप ड्यूटी पे ही हैं, आप काम 24 घंटे का, काम 24 घंटे ड्यूटी जो है वो 24 घंटे के, यानी किसी भी टाइम रात के पहर में कभी भी आपको कोई वाकया हो गया आपने वहां जाके कवर करना है, कवर करना लाजमी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी। न्यूज़ चैनल्स मतलब रात भर काम करते रहते हैं 24 आवर की, ना उस पे किसी ईद का किसी उसमें वो छुट्टी आप लोग यानी कि छुट्टी मिलती है, छुट्टी नहीं है, गुंजाइश नहीं, वो होती है ऑफ देते हैं, वीकली ऑफ होती है, लेकिन वो इस तरह ऑफ होती है कि आपने क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है, मुतलका लोग आपसे कंसर्न अपनी बीट के लोग हैं, पी आर ओ या वो मुतलका जो लोग हैं उनकी तो छुट्टी नहीं है ना, उन्होंने तो आपको उसी तरह रूटीन में भेजना है, तो फिर उसको आपने डिलीवर आगे कर देना होता अपने इदारे को इस तरह। अच्छा, तो और क्या होता है इसमें, आपका दिन ख़त्म किस तरह होता है? ख़त्म ऐसे होता है कि बस वो जो चैनल के लिए जो सारा दिन काम किया होता है वो शाम को अखबार के लिए उनकी खबरियत उनकी नौयत और होती है कि बाल लूँगा, ये ख्याल है कि प्रिंट मीडिया जो है उसका कोई मुस्तकबिल नहीं रहा है, वो ऐसा नहीं होता, प्रिंट मीडिया का मुस्तकबिल है, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब का आपको नज़र आ रहा है डिजिटल मीडिया का, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ प्रिंट मीडिया का उतना ही मुस्तकबिल है, क्योंकि इसमें ऑथेंटिसिटी है, प्रिंट मीडिया में ऑथेंटिसिटी होती है, आप किसी चीज़ को कोई ट्रांसफ़र करने हो, अदालती मामला हो या कोई इस तरह जो है आखनामा हो या कोई कागजात की गुमशुदगी हो, तो आप अदालत भी आपको प्रिंट मीडिया में अखबार इश्तहार ही मांगती है, वो आपको ये नहीं कहते कि वो उस टिकटॉकर के पास चले जाएं उसके 15 मिलियन व्यूअर्स हैं तो उस पर इश्तहार लगवा के अदालत, लेकिन ये तो इश्तहार अखबारों में लग रहे होते हैं सोसाइटीज़ के, इसके अलावा दीगर जो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में सोशल मीडिया ज़्यादा फास्ट कह लें, फास्ट है, मतलब उसपे एड्स आ रहे हैं, आपको गुज़िश्ता दिन की और आने वाले आ रहे हैं, अखबार ने आपको गुज़िश्ता दिन की और आज की होने वाली पेश की इतला दे दी, सोशल मीडिया पे आपने अभी का फौरी आपने उसको अपलोड कर देना है। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको लोग ऑथेंटिसिटी की वो वैल्यू नहीं होती, एज एंटरटेनमेंट तो हम उसको बड़ा अच्छा उसका फ़ायदा ले रहे हैं
कि घर में खवातीन जो हैं अपना काम करने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, मोबाइल एंटरटेनमेंट को यूज़ कर, हम साथ जाके बच्चों को या खुद फेसबुक और दूसरी जैसे चीज़ें, कई चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, घुस जाते हैं। हमारे लिए जो हम जिस तरह हम काम करते हैं, हम जो है सोशल मीडिया को या उसके लिए हम अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। हमें लोगों की आवाज़ भी उसमें मिल जाती है, बाज़ वीडियोज़ वायरल हुई होती हैं कि जिनको इंसाफ नहीं मिला होता लोगों को, तो वो चैनल अगर उसको क्लिक कर ले, अखबार को क्लिक कर ले, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जितना कोई आला मुकाम पे बैठा हुआ कोई अफसर देख के उसको एक्शन ले। बल्कि अखबार में लगी हुई खबर की बहुत वैल्यू ऑथेंटिक होती है, ऑथेंटिक होता है, वो एक प्रोसेस से गुजरता है, एक खबर 20 लोगों की नज़र से गुजर के फिर की जाकर वो शाया होनी होती है, और फिर वो जो शवल जो शाया कर रहा है, जो नशर करवा जो उस पर दे रहा है खबर, वो उसका जिम्मेदार है। मैंने जो खबर आज देनी है अगर आज भी ऑथेंटिक नहीं है, 10 साल बाद भी उस पे मैं उसका जवाब दे हूं। क्या ये जिम्मेदारी है? कौमी फ्रीज है कि बगैर तस्दीक के 5 W's हैं, हु वेयर व्हेन व्हाई व्हेन, 5 W's, वो उसके बगैर, उसके बगैर खबर नहीं, खबर नहीं है। चलें जो है बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब ने आए और आपने रोशनी डाली अपने इस मौजू के ऊपर। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। हम आपसे मिलेंगे एक दोबारा पॉडकास्ट में, एक और पॉडकास्ट में, एक और मेहमान के साथ। तब तक आपके लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।